इसके विषय में आप क्या कहेंगे? ऐसा है कि इस कोर टीम में बहन पंकजा, इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष की अनुमति ली है 12 तारीख को गोपीनाथ गढ़ पर स्वर्गीय गोपीनाथ जी के जन्मदिवस के अवसर पर जो जयंती मनाई जा रही है, जो गोपीनाथ जी का स्मरण करने के कार्यक्रम में हजारों लोग वहां एकत्रित आने वाले हैं, बहन पंकजा जी ने माननीय अध्यक्ष जी की अनुमति लेकर वो आज के इस कोर टीम में उपस्थित नहीं है। एकनाथ खड़गे जी की मुलाकात आज उद्धव ठाकरे जी से हुई, जहां पर उन्होंने ये कहा कि जो हमारी सरकार है वो गोपीनाथ मुंडे जी का स्मारक बनाने में विफल रही है। उन्होंने निवेदन किया उद्धव ठाकरे जी की वो जो सपना है वो पूरा करें। देखो, ऐसा है कि जो जानकारी हमें है, स्वर्गीय गोपीनाथ जी के स्मारक के लिए प्रक्रिया पूर्ण हुई है और स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे जी ये तो भारतीय जनता पार्टी के ही नहीं तो जन जन के नेता रहे हैं। अगर उद्धव जी के पास जाके उन्होंने जो सरकार हर बात को स्थगिति दे रही है ये देखते हुए इस काम को तो भी स्थगिति मत दो, ये भावना अगर व्यक्त की है तो मैं तो कहता हूँ ये भावना तो पार्टी के अनुकूल भावना माननीय खड़से जी ने व्यक्त की है। सर, दो सवाल है यहाँ पे, सर भी है सर, भाजपा के लिए जो दो चैलेंज रहा है इस इलेक्शन में, एक विदर्भ में 29 सीट्स गए हैं और काफी सारे बात ऐसे है कि सर को टिकट ना देने के वजह से भी ये शायद एक इशू हुआ है, और दूसरी चीज जो भाजपा के सीनियर नेताओं में जो नाराजगी है जो उन्होंने व्यक्त किया है उसके बारे में लेके इस मीटिंग में क्या चर्चा हुई? देखो, ऐसा है, विदर्भ में आपने 29 सीटों में हार हुई, ये आंकड़ा सुधार लीजिए, 29 सीटों में हार नहीं हुई है, मगर भारतीय जनता पार्टी के अपेक्षा पूरी नहीं हुई, ये सच है। जैसे कि हमारे नेता बावन कुए जी है, उनको टिकट नहीं दी गई, और ये बात सही है कि उसका कुछ परिणाम चुनाव पे हुआ ये नजर भी आ रहा है। पार्टी ने इस विषय को गंभीरता से लिया है और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में हम सब मिलकर फिर शक्ति के साथ काम करते हुए 105, ये कई चुनावों के बाद किसी पार्टी को इतना बड़ा यश मिला है, तो मुझे लगता है कि 105 से फिर सरकार तक ये सफर ये भारतीय जनता पार्टी सभी नेताओं के साथ मिलकर संगठन के आधार पे पूरा करेगी और हम निश्चित रूप से आने वाले दिनों में जनता की सेवा करने के लिए फिर से अपनी सरकार निश्चित रूप से चुनाव में जीतकर बनाएंगे। एकनाथ जी के यहाँ मैं आज गया हूँ और जो कुछ मुद्दे उन्होंने रखे हैं उस विषय पे भी हमारी चर्चा हुई है और मेरा विश्वास है कि उनकी जिन मुद्दों के आधार पे नाराजी होगी वो नाराजी दूर की जाएगी। खड़से जी हमारे नेता है, पार्टी के वरिष्ठ नेता है, 40 वर्षों से उन्होंने पार्टी में काम किया है, तो खड़से जी के साथ चर्चा हुई है। हम सब मिलके हमने आज के बैठक में भी तय किया है कि माननीय खड़से जी के साथ संवाद होगा और जो नाराजी है वो दूर की जाए। आरोप लगाया था कि उनकी जो लड़की है चुनाव हार गई थी कम वोटों से, उसमें बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने अपने विरोध में काम किया था जिसमें उन्होंने शिकायत की, क्या ऐसे कार्यकर्ताओं पर भी कार्रवाई की जाएगी? नहीं, शिकायत की ये बात सही है, उन्होंने कुछ कागजात भी दिए हैं और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा है कि तथ्यों के आधार पे इसका आकलन किया जाएगा और किसी ने पार्टी के खिलाफ में काम किया है तो उसको पार्टी से निकाल दिया जाएगा, बर्खास्त किया जाएगा। ये बात तो खड़से जी के मतदार संघ में नहीं, महाराष्ट्र में कहीं भी होगी तो जो थाली में छेद करेगा उसके सामने तो पार्टी थाली नहीं रख सकती। 16 दिसंबर से सर अधिवेशन शुरू होने वाला है लेकिन अभी तक मंत्रालय का बंटवारा नहीं किया गया है, आपको नहीं लगता है कहीं ना कहीं ये जो महाविकास अघाड़ी की जो गठबंधन सरकार बनी है उसकी बहुत बड़ी विफलता है, क्योंकि उसमें मंत्री कौन से जो है मंत्रालय के होंगे उनसे सवाल क्या किया जाएगा यही अभी तक निश्चित नहीं हुआ। नहीं, पहली बात तो महाराष्ट्र ये देख रहा है, ये महाराष्ट्र विकास आघाड़ी नहीं, ये महाराष्ट्र स्थगिति आघाड़ी है। स्थगिति देने का काम मंत्रालय से चल रहा है, अगर दीवारों को कुछ कहने का अधिकार होता तो ये दीवारें भी कहती कि बस करो स्थगिति देने का काम। जो भी जीआर निकल रहा है किसानों के लिए नहीं, जो भी जीआर निकल रहा है सिर्फ स्थगिति स्थगिति स्थगिति। तो मुझे ऐसा लगता है
कि अभी इनकी ओर से स्थगिति देने के लिए विभागों का बंटवारा करने के बजाय एक स्थगिति देने के लिए विशेष रूप से मंत्रालय बनाना चाहिए और यही स्थगिति मंत्रालय सभी मंत्रियों का काम करेंगे और बाकी मंत्री दागन में बैठ के चर्चा करते हैं।